जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो ये बताइए किस पे होगी। वो बात कर रहे हैं कि 17 से 22 के पेपर की, कि उसमें भी पहले कहा गया कि 21 वाला पेपर की एक शिफ्ट की बात की गई, ठीक, फिर उन्होंने उसको चेंज करके कहा कि 17 से 22 के पूरे टीयर 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद 9 तारीख को पेपर भी है। तो ये बताइए अगर सरकार 17 से 22 का पेपर कैंसिल कर रही है, उसकी इंक्वायरी कर रही है, बिना इंक्वायरी के आप पेपर कैसे करा लोगे 9 तारीख वाला? मान लीजिए कि अगर पेपर हो जाता 9 वाला तो और इधर जांच भी चलती रहेगी तो रिजल्ट का क्या होगा? अगर कोई चीटिंग पाई जाती तो 9 का पेपर फिर कैंसिल किया जाएगा। ऐसा तो होगा कि 9 का पेपर एक बार हो गया, फिर वो पेपर जो सत्र बाकी कैंसिल होंगे वो दोबारा होंगे, तो जब पेपर होगा तो सारा साथ में होगा। हमारा कहना है कि गृह मंत्री जी को ये क्लियर करना चाहिए कि जो सीबीआई इंक्वायरी की बात मानी गई है वो किस पे मानी गई है। वो हमारी मांग है पूरी सीबीआई, पूरे एसएससी की, कि एमटीएस के पेपर की भी हो, दो सीएचएसएल की पेपर की बात हो, सीजीएल की हो, सीपीओ की, ये सबकी जांच कराइए। आप ये कैसे कह सकते हो कि जो चीटिंग पहले जो खुराना जी चेयरमैन सर कह रहे थे कि ये चीटिंग का मामला है, आप बताइए चीटिंग का मामला कैसे हो सकता है जहां पे आपको बेल्ट लगा के ले जाना अलाउ नहीं है, पेन नहीं अलाउ है, पेपर नहीं अलाउ है, वहां आप कैमरा ले जाके पेपर आउट हो रहा है, तो ये कैसे? और इनके पर्यवेक्षक क्या कहते हैं? क्योंकि एसएससी जो है हर सेंटर पे पर्यवेक्षक भेजती है, उनकी ड्यूटी होती है कि पेपर कंडक्ट कराना, उनकी निगरानी में कैसे पेपर आउट हो रहा? हम माननीय गृह मंत्री की इस बात का समर्थन करते, स्वागत करते हैं, और उन्होंने और अगर वो शाम तक जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो रिलीज करेंगे पूरा इसका फॉर्मेट की क्या है, तो हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी जो 4 मांगे हैं कि एसएससी के सारे एग्जाम की सीबीआई जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड होनी चाहिए और अंडर सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो हमारी जो मांगे हैं वो सारी पूरी हो रही होंगी। मेरे अकॉर्डिंग जो ये है, हम सब बच्चों के अकॉर्डिंग वो ये टारगेट कर रहे हैं कि सीजीएल टेयर 2 की बात कर रहे हैं। अगर वो ये बोल देते हैं कि भी हम एसएससी के द्वारा जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होती हैं उसकी अगर जांच हो सीबीआई के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के मतलब सिटिंग बेंच के अंडर, तो हम और उसके लिए नोटिस जारी करें कि हमने ये कर दिया है, तो हम उसके लिए फिर सेटिस्फाई हो जाएंगे और फिर हम अपना मतलब जो ये हमारा कैंपेन चल रहा है उसके लिए हम उसको फिनिश कर देंगे। और जो जितने भी ऑनगोइंग एग्जाम हैं जब तक के लिए, जब तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है उसके उस पर स्टे लगाए, क्योंकि हम इसकी श्योरिटी नहीं कर सकते कि अभी जब ये मतलब गड़बड़ हो रही है तो आने वाले जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें भी मतलब ये चीज़ हो सकती है।